हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट पे। देखिए, इस सीरीज में हम टीचिंग एप्टीट्यूड पे एक सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के डिफरेंट टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चैप्टर वाइज, और यह हमारा पार्ट 10 है। इसके पहले मैंने 9 पार्ट लाए हैं। अगर आप लोगों ने देखा तो ऊपर मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर उसे देख लीजिएगा। आइए आज का पार्ट 10 हम शुरू करते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे। यह क्रैश कोर्स टीचिंग एप्टीट्यूड का NBS, KBS, CP, BEd और PRT, TGT की एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग हमारे साथ इसी तरफ बने रहें। देखिए, आज के आगे वाले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, जिन क्वेश्चनों पे हम इसमें देखेंगे कि टॉप क्वेश्चन आज के 20 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक, इस क्वेश्चन पर देखने से पहले आप लोग पीछे की सीरीज जरूर देखिए, जो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, अध्यापक के किस व्यवहार का छात्र पर सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे और इसके आगे इसका आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर बताएंगे। तो जब आप एज ए टीचर आप टीचर बन जाते हैं, तो आपके किस व्यवहार का सबसे नकारात्मक प्रभाव जो है, यानी हानिकारक प्रभाव एक स्टूडेंट पे पड़ता है? ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। 4 ऑप्शन है, अध्यापक का कक्षा में देरी से आना, छात्रों को परीक्षा में कम अंक देना, छात्रों को छोटी छोटी बातों पर दंड देना, और हमारा चौथा ऑप्शन है, अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार। तो इसमें देखिए, सबसे नकारात्मक प्रभाव यह होता है कि आप जब टीचर हो जाते हैं, तो पूरी क्लास को न देखकर किसी विशेष छात्र को, यानी किसी एक या दो छात्र को विशेष आप उसके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी ऑप्शन घ हो जाएगा, अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार, इसका प्रभाव जो छात्रों पर बहुत ही नकारात्मक पड़ता है। ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आप एज ए टीचर सबको एक नजर से देखें। ठीक, अब को अगले क्वेश्चन पर अगर बात करें, तो इसमें देखिए, आधुनिक भारतीय परिवार अपने बच्चों में जिस उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहे हैं, वह है जो आधुनिक मॉडर्न इंडियन जो फैमिलीज है, अपने बच्चों में जिस उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहे, फेल रहे, वह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पहला ऑप्शन है मनोरंजन संबंधी उद्देश्य, नहीं, इसमें तो आधुनिक परिवार बहुत आगे है, बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप, तरह तरह के टीचिंग एप्टीट्यूड देते रहते हैं। ठीक, अब सुरक्षा संबंधी उद्देश्य, नहीं, इसमें नहीं, सुरक्षा संबंधी उद्देश्य भी हमारा सही आंसर एक हो सकता है, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में इसकी काफी कमी देखी जाती है, कि माँ बाप जो अपने कभी काम में बिजी रहते हैं, कभी देख नहीं पाते हैं इस चीज को। हम देखेंगे शैक्षिक उद्देश्य, नहीं, पढ़ाते हैं, प्रेम एवं स्नेह संबंधी उद्देश्य। तो जो हमारा मॉडर्न समाज है, इसमें जो है सुरक्षा संबंधी उद्देश्य में असफल रहा है। तो ठीक, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर ख हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन चलें, परीक्षा में नकल रुकवाने के लिए आपका क्या सुझाव है? बहुत से विद्यार्थी जो है परीक्षा में नकल कर रहे हैं, तो इस नकल को रोकने के लिए आप कौन सा सुझाव देंगे? ठीक, पहला ऑप्शन, नकल करने वाले छात्रों को कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए। ठीक, छात्रों की परीक्षा हॉल में जाने से पूर्व तलाशी ली जाए। तलाशी लेने से बच्चे तो नकल करेंगे ही, ये कोई रीजन नहीं है। अगला है, परीक्षा व्यवस्था में इस प्रकार सुधार लाया जाए कि नकल छात्रों के लिए निरर्थक बन जाए। ठीक, तो इसमें सबसे उपयुक्त हो जाएगा यही कि परीक्षा व्यवस्था में इस प्रकार के सुधार लाए जाए जिस नकल छात्रों के लिए निरर्थक बन जाए, कि वो नकल कर ही नहीं पाए, अगर करें भी तो उसका कोई ज्यादा उद्देश्य ना हो। ठीक, इसका एग्जैक्ट आंसर ग हो जाएगा। ठीक, अगले आगे क्वेश्चन बात करते हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने का कारण, तो दिन पे दिन देखी जाती है एक सरकारी विद्यालयों की पढ़ाई की स्थिति गिरती जा रही है, प्राइवेटीकरण जैसे हो रहा है, प्राइवेट की तरफ सब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में भाग रहे थे, इस स्तर सुधार न होने का मुख्य कारण क्या है? इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। पहला, शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, बिल्कुल सही, सरकारी जो तंत्र है, गवर्नमेंट जो बॉडीज हैं, प्राइमरी शिक्षा पे या किसी शैक्षिक शिक्षा पे बल ही नहीं दे रहे हैं, बड़ी काफी उदासीन है। योग्य अध्यापकों का चयन न होना, ये भी एक रीजन है कि अच्छे अध्यापक नहीं जाएंगे तो शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी।
जवाबदेही की भावना का अभाव, कोई जवाब नहीं है टीचर का या कोई सरकारी बॉडीज का भी, सही यानी उपरोक्त सभी। हमारा आंसर हो जाएगा सभी, कि हमारी शिक्षा प्रणाली को गिरते असर सुधार का मुख्य कारण सभी हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन, कक्षा में छात्र शिक्षण के बावजूद वह नहीं सीख पा रहे हैं जो सीखना चाहिए, तो ऐसे में अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऐसे में अध्यापक को क्या करना चाहिए? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एज ए टीचर जब आप किसी विद्यालय में जाते हैं और छात्र को पढ़ा रहे हैं, आपके कितनों पढ़ाने के बाद, जितना पढ़ा रहे हैं उसके बाद वह सीख नहीं पा रहा जो आप सिखाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, तर्क पे आप लोग दीजिए इसका आंसर 64 का। देखिए, पहला ऑप्शन, शिक्षण विधि में परिवर्तन करेंगे, मूल्यांकन के बिना शिक्षण नहीं, मूल्यांकन तो शिक्षण में होना चाहिए, यानी ऑप्शन का तो बिल्कुल गलत हो गया, बालकों की सृजनशीलता का उभारना नहीं। और अगला ऑप्शन देख लेते हैं, छात्रों को कुछ समय के लिए बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देना, नहीं स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे। तो अगर एक विधि के माध्यम से छात्र नहीं सीख पा रहा तो उसको विधि परिवर्तन करेंगे, यानी शिक्षक विधि में परिवर्तन करेंगे, यानी ऑप्शन क सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन में बात करें, विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम में आपने देखा कि किसी एक अध्यापक को प्रधानाचार्य की ओर से कोई दातु नहीं दिया गया है, तो यानी जो विद्यालय का वार्षिक कार्यक्रम हो रहा है, आपने देखा कि प्रधानाचार्य ने एक अध्यापक को कोई काम नहीं दिया और सारे अध्यापकों को आपको ही सारे काम दे दिए हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, क्या डिसीजन लेंगे? पहला ऑप्शन, इस मामले को अध्यापक संघ में उठाएंगे, प्रधानाचार्य जाकर बात करें कि ऐसा क्यों है, ठीक। और तीसरा है, स्वयं भी दायित्व तो निभाने से इनकार कर देंगे, नहीं आप दायित्व तो निभाएंगे इस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये भी नहीं। आप इसमें सही आंसर हो जाएगा, आप प्रधानाचार्य से जाकर बात करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या हो सकता, कोई मेन कारण भी हो सकता है जिसकी वजह से ऐसा उनको ड्यूटी नहीं दी गई, या कोई और रीजन भी हो सकता है, ठीक। यानी ख हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर बात करें, निम्न में से किस बालक के साथ अध्यापक को सबसे अधिक सहानुभूति का प्रदर्शन करना चाहिए? निम्न में से किस बालक के साथ, यानी किस प्रकार के बालक के साथ अध्यापक को सहानुभूति का प्रदर्शन करना चाहिए? काफी बेसिक क्वेश्चन है, आपको जब टीचर के पद पर जाएंगे तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक। आइए चार ऑप्शन देख लेते हैं, जिस बालक का आचरण बहुत अच्छा हो, नहीं बालक का आचरण अच्छा हो तो उससे इतना मतलब है, जो बालक अध्यापक से ट्यूशन भी पढ़ता है, ये तो सरासर गलत है, जिसकी किसी हानि के लिए अध्यापक स्वयं दोषी हो, ठीक। ये क्वेश्चन आंसर हमारा सही हो जाएगा, यानी सहानुभूति उसी से व्यक्त करेंगे कि उसकी अगर हानि हो जा रही है, आप उसे कुछ बढ़ा दे रहे हैं जो गलत है, तो आप उसके प्रति जो है अपना क्या करेंगे, सहानुभूति प्रदर्शन करेंगे, ठीक। बिल्कुल सही, ग हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 3 या 4 वर्ष के बालक के लिए उचित दंड हो सकता है, जो बालक 3 या 4 वर्ष का है उसके लिए उचित दंड क्या हो सकता है? चार ऑप्शन, उसे डंडे से भयभीत करना, नहीं कोई भयभीत नहीं करेंगे, उसे कक्षा में खड़ा करना, नहीं उसे उसके पिता की उपेक्षा का भय दिलाना, नहीं ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, उसे उसकी माता की उपेक्षा का भय दिलाना, ये ऑप्शन सबसे सटीक है, क्योंकि बच्चे उस समय अपने माँ से सबसे ज्यादा करीब रहते हैं, सब शिशु अवस्था में रहते हैं तो काफी करीब में रहते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आपने इस चीज को चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ा होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन में बात करें, अगले क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान दें तो अगला क्वेश्चन, पूर्व अनुशासित कक्षा की पहचान है, जो पूर्ण रूप से अनुशासित कक्षा, आप जब टीचर है आपकी कक्षा पूर्ण रूप से अनुशासित चल रही है तो उसकी पहचान क्या है? छात्रों की पठन पाठन प्रक्रिया में पूर्ण रुचि एवं शांतिपूर्ण भागीदारी, कक्षा में पूर्ण खामोशी, नहीं खामोशी भी रहे तो ये कोई मतलब नहीं कि अनुशासित, कक्षा में छात्रों का अपने कामों में लगा होना, नहीं उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इसका क आंसर सबसे सटीक है कि छात्रों की पठन पाठन क्रिया में पूर्ण रुचि और शांतिपूर्ण भागीदारी, जो कि यानी कक्षे में पठन पाठन की क्रिया भी चल रही है और पूर्ण भागीदारी भी है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा क, ठीक। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, आइए, प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है, यानी जब आप इफेक्टिव टीचर रहते हैं तो आपकी कौन सी बात छात्र को, स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट है उसको सबसे अच्छी लगती है, यानी सबसे गुड अच्छी लगती है, ठीक।
उसके उसका पहनावा नहीं, उसकी बोली नहीं, उसका पूरा व्यक्तित्व, यानी उसके व्यक्तित्व का, एक टीचर के व्यक्तित्व का छात्रों पर पूरा यानी फुल प्रभाव पड़ता है। यानी ऑप्शन ग हमारा सही हो जाएगा, उसकी विद्वत्ता भी नहीं, उसका व्यक्तित्व सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर ग। आइए आगे देखते हैं। शिक्षक अभिभावक मीटिंग, यानी जब पेरेंट मीटिंग होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको देखिएगा आप लोग। शिक्षक अभिभावक मीटिंग में यदि अभिभावक शिक्षण के दृष्टिकोण से सहमत ना हो तो, यानी जब पेरेंट्स मीटिंग होती है तो उनके गार्जियन अगर शिक्षण के दृष्टिकोण से सहमत ना हो तो एज ए उस समय क्या ड्यूटी होगी? अध्यापक को अभिभावक की शंका का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही कि जैसे अध्यापक जब आप पेरेंट्स मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं तो आप उन गार्जियन की शंका को निदान करें। अध्यापक को मीटिंग से उठकर चला जाना चाहिए, गलत। अध्यापक को अभिभावक की बात मान लेनी चाहिए, नहीं, अभिभावक की बात भी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आप टीचर हैं, बच्चों को आपको पढ़ाना है। अध्यापक को छात्र के सामने अपनी असहमति प्रकट नहीं करनी चाहिए, नहीं, ये जब तक अध्यापक नहीं कहेगा ऐसे नहीं है, ऐसी चीजें हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अध्यापक को अभिभावक की शंका का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए, यानी उसके जो भी डाउट्स हैं उसको प्रयास करें कि वह दूर हो जाए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, 71 पे। छात्रों की बुरी आदतें कैसे छुड़ाई जा सकती हैं? किसी छात्र को कोई बुरी आदत अगर लग जाए उसको छुड़ाने की प्रक्रिया क्या है, उसे सुधार लाने की प्रक्रिया क्या की हुआ, उस बुरी आदत को बार बार दोहराए नहीं। उन्हीं बुरी आदतों के परिणाम को स्पष्ट करने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनाकर, बिल्कुल सही कि उस बुरे आदत जो है उससे क्या परिणाम हो सके, उसके रिलेटेड कोई एक स्टोरी सुना के, उनके माता पिता का सहयोग प्राप्त करके, उन पर कड़ी नजर रख के, यानी बुरी आदत छुड़ानी है तो उन पर कड़ी नजर भी रखनी जरूरी होती है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आइए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्रभावित शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है? प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है, यानी सबसे कम किस प्रकार के लोग प्रभावी शिक्षक नहीं बन सकते, सीधे सीधे यह कहना चाह रहा है या और यह पूछना चाह रहा है आपसे, किस प्रकार के लोग, वह जो हर समय अपनी विद्वत्ता बखान करे, नहीं, उस तरह से नहीं हो सकता, इस तरह के लोग बहुत कम संभावना होती है, ये सही हो जाएगा। वह जिन जिसकी पढ़ने में कोई रुचि नहीं, बिल्कुल सही, वो प्रभावी शिक्षक बन ही नहीं सकता। वह जो नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता हो, नहीं, ये तो प्रभावी शिक्षक बन सकता है कि आप नैतिक मूल्यों का दे, यानी क और ख दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन घ सीधे दिख रहा है। ठीक, अगर आप लोग को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप हमें लाइक करें, अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें कि किस तरह से क्वेश्चन आप ये आपको कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन इजी तो ज़्यादा नहीं, अगर कैसे हैं तो इसे सुधार लाऊंगा, और NBS में इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, आप लोग निश्चिंत रहें। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन 73 पे। अध्यापक अपने प्रयास से कभी असफल नहीं होगा यदि, अध्यापक अपने प्रयास में कभी असफल नहीं होगा यदि, क्या है असफल नहीं होगा? उसके अंदर अनुशासन है, ठीक, उसके उसे शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, उसके अंदर धैर्य हो और वह जल्द परिणाम पाने चक्कर में न पड़े, उपरोक्त सभी। ठीक, उसके अंदर अनुशासन हो, शिक्षण विधियों का ज्ञान हो और धैर्य भी हो, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा 73 का। ठीक, अगले करें, अगले क्वेश्चन पाइए, देखते हैं, करते हैं इसको। मेरा मानना है कि, ठीक, समस्याओं का शोध आधारित हल खोजना हमारे देश की आवश्यकता है, लोगों लोगों के ज्ञान में सुधार पर बल देना अधिक महत्वपूर्ण है, शिक्षण संस्था में शिक्षा का स्तर सुधार लाना बहुत आवश्यक है, बिल्कुल सही, सुधार आना चाहिए। भारत में किए जाने वाले शोध कार्य केवल धन की बर्बादी नहीं, ऐसा नहीं है, धन की बर्बादी नहीं है। ठीक, तो इसमें यह है कि समस्या का शोध आधारित हल खोजना हमारे देश की आवश्यकता है, यानी जो भी समस्या है उसके लिए खोज की आवश्यकता तो है ही, लेकिन उससे पहले शिक्षण संस्थाएं जो हैं, शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा का स्तर सुधार लाना बहुत आवश्यक है, यानी ग ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे शिक्षण संस्थान है उसमें सुधार लाएंगे तो जो रिसर्च है, शोध है, उसमें ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सुधार आ जाएगा, तो यानी बेसिक क्वेश्चन ये हो जाएगा, ग नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं।
आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा अध्यापक है, यानी आपकी नज़र में सबसे अच्छा अध्यापक कौन है जो श्याम पट का अच्छा प्रयोग करता हो, जो सुस्पष्ट बोलता हो, जो विद्यार्थियों को कक्षा में शोर नहीं मचाने देता हो, जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके समझाता हो, यानी यही जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके समझाता हो, घ नंबर हमारा सही हो जाएगा। आइए 76 की बात करें। शिक्षक छात्र के लिए पिता की स्थिति में होता है, पहला ऑप्शन, माता की स्थिति में होता है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, उपयुक्त सभी। जो होता है शिक्षक छात्र के लिए क्या होता है जब वो टीचिंग करता है, वो मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन बात करें। शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायों से अलग करता है वह है, शिक्षक का वह कौन सा गुण है जिससे उसे वह अन्य व्यवसाय से उससे अलग करता है, कर्मठता, अध्ययनशीलता, भाषण देने की निपुणता, उपरोक्त तीनों। उसके लिए होगा अध्ययनशीलता। वो अध्ययनशीलता जीवन भर कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास, पढ़ने का प्रयास करता है, जो एक टीचर को उसके विभिन्न व्यवसायों से अलग करता है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे बात करें। जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें, जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, दंडित किए जाना चाहिए? नहीं, दंडित नहीं करना चाहिए उन्हें। प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? नहीं, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी जो भी छात्र प्रश्न पूछ रहे हैं आप उसे इनकरेज करेंगे कि वह प्रश्न बार बार उस तरह के रिलेटेड, विषय से रिलेटेड, सब्जेक्ट को से रिलेटेड प्रश्नों को वह पुटअप करें। अब देखिए, छात्रों में अच्छे संस्कार डालना आवश्यक होता है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी जो स्टूडेंट है उसमें संस्कार अच्छे डालना बहुत आवश्यक है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? यह काम अकेला अध्यापक करता है? नहीं, संस्कार अकेला अध्यापक नहीं कर सकता, संस्कार परिवेश के अनुकूल होते हैं। यह काम अच्छी पढ़ाई के द्वारा होता है? नहीं, संस्कृति प्रस्तुत अंकुश लगाते हैं? नहीं, संस्कार प्रस्तुति पर अंकुश लगाते नहीं, यानी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं, एक ऑप्शन बच गया, ख, संस्कार परिवेश के अनुकूल होते हैं। इस तरह से भी आप परीक्षा हॉल में इस तरह से क्वेश्चन को चूज कर सकते हैं कि तीन गलत आंसर निकाल लीजिए, एक सही आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इस मेथड को भी आप लोग एग्जाम हॉल में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, यानी सही आंसर हमारा हो गया ख। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पर बात करें। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? बालक को ज्ञान देना, बालक में आत्मविश्वास पैदा करना, बालक को बुराइयों से बचाना, उपरोक्त सभी। आप इसमें उत्तर दे दीजिए कि क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में इसे कमेंट करिए कि इसमें क्या होगा। आप लोग को 5 सेकंड का समय मैं दे रहा हूँ। चलिए, इसमें सबसे उत्तम आंसर क्या होगा आपके शिक्षा का उद्देश्य? इसमें होगा आपका बालक को ज्ञान देना शिक्षा का उद्देश्य होता है, आत्मविश्वास पैदा भी करना है, बुराइयों से बचाना भी है, उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन। पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है, यानी जो भी हमारा पाठ्यक्रम है उसमें नैतिक शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, तो एट टीचर आपका क्या विचार है, इस पर आप अपने विचार दिए क्या रहेंगे? यह छात्रों पर एक बोझ मात्र है? नहीं, नैतिक शिक्षा केवल पुस्तकों द्वारा नहीं दी जा सकती, इसका कोई लाभ नहीं है। नहीं, इसका लाभ तो है। यह छात्रों के शरीर के जो विकास के लिए लाभकारी हो सकती है। ठीक, तो लाभकारी तो हो ही सकती है, तो इसमें सबसे एग्जैक्ट आंसर यही होगा कि यह छात्रों के चरित्र के विकास के लाभकारी हो सकती है, घर नंबर। यह आज हम टोटल 20 क्वेश्चन पर बात किए टीचिंग एप्टीट्यूड के, जिसमें यह पार्ट, जो ये पार्ट था, 10th था हमारा पार्ट, तो इसमें आप लोगों ने देखा कि इस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो। ठीक, तो इस क्वेश्चन में अगर आप लोगों में वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें बताएं कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसे लगी, और इसी तरह हम पार्ट 11 से लेके 20 तक और बाकी के जो पार्ट बचे हुए हैं वो भी लाएंगे इसी तरह।